क्या हाल चाल भाई लोग। वैसे आज हम एक ऐसे सुपरस्टार की अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी हर फिल्म को लेकर फैंस में एक अलग ही क्रेज रहता है। और क्रिश 4 को लेकर तो भाई अब ऋतिक के फैंस मरने मारने पर उतर आए हैं। हाँ बेटे लाल, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड का हैंडसम स्टार और कंगना का पुराना प्यार ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के उन स्टार्स में से है जो बहुत ही सोच समझ कर फिल्में करते हैं। अक्सर इनकी कोशिश होती है कि अपनी फिल्मों से ऑडियंस पर एक गहरी छाप छोड़ सके, और आगे भी इनकी कुछ ऐसी फिल्में आ रही है जो इंडियन सिनेमा का चेहरा बदलने का दम रखती है। हर फिल्म अपने आप में रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर है। हालांकि मैं किसी भी फिल्म की गारंटी नहीं लेता, पर तुम अपने रिस्क पर इन्हें ब्लॉकबस्टर समझ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फाइटर की। सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टेड ये फिल्म कोई आम फिल्म नहीं है। फाइटर इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है, और इसलिए एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के नजरिए से फाइटर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया में एक्सपेरिमेंटल सिनेमा ना के बराबर बनता है। और बॉलीवुड तो इसका नाम सुनते ही अपना मुंह छुपा लेता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर फाइटर हिट होती है तो मेकर शायद कुछ नया बनाने का सोचेंगे। वैसे सिद्धार्थ आनंद पर एक्शन को लेकर अपना भरोसा है, और बैंग बैंग वॉर जैसी फिल्मों में ऋतिक के साथ काम भी कर चुकी है, और पठान से उन्हें दीपिका पादुकोण का भी एक्सपीरियंस है। हालांकि ऋतिक और दीपिका पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को साथ में देखने में मजा आएगा। मेकर्स ने एरियल एक्शन को रियलिस्टिक बनाने के लिए खुद इंडियन एयरफोर्स की मदद ली है। वीएफएक्स और सीजीआई को डीएनईजी कंपनी ने संभाला है, जो मिशन इम्पॉसिबल 2 और हैरी पॉटर जैसी फिल्मों पर पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। और म्यूजिक डिपार्टमेंट को विशाल शेखर ने संभाला है। इसका बजट भी 250 करोड़ है, यानी कि बेटे हर चीज ऑडियंस को लार्जर देन लाइफ वाला एक्सपीरियंस देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फाइटर को 25 जनवरी 2024 को रिलीज किया जा रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि मेकर्स इसे टॉप गन मेवरिक से डिफरेंट बनाने का ट्राई करेंगे, और ऑडियंस भी एक सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करेगी। तुम्हें क्या लगता है? दूसरे नंबर पर है वॉर 2। वैसे मेरे हिसाब से वॉर 2 फाइटर से भी बड़ी फिल्म होने वाली है। 2019 में आई वॉर काफी हिट हुई थी, और ये भी सच है कि वॉर पहली फिल्म थी जिसमें टाइगर श्रॉफ ने एक्टिंग की थी। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। इन दोनों की ब्रूटल और डेडली फाइट देखकर मजा आ गया था, लेकिन जहाँ पे वॉर एक सोलो मूवी थी, वॉर 2 इंडिया की सबसे बड़ी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, और इसीलिए इसकी हाइप तो बड़ी है ही, पर इसमें स्पाइवर्स के बड़े बड़े कैरेक्टर्स के कैमियो भी हो सकते हैं, जो मूवी को और बड़ा बना देंगे। वायर अपने वॉर 2 को लेकर बहुत बड़ा प्लान बनाया है, इसलिए इस बार सिद्धार्थ आनंद की जगह डायरेक्टर अयान मुखर्जी है। विलन के तौर पर साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और हीरोइन के तौर पर कियारा आडवाणी होने वाली है। अच्छा है कि वॉर में ही वाणी कपूर की डेथ हो गई थी, और न एक्टिंग के मामले में ये फिर से हक देती। खैर छोड़ो, हम मुद्दे पे आते हैं। तो कैमियो की अगर हम बात करें तो शायद इसमें हमें जॉन पठान वाले जिम के रोल में दिखेंगे, कैटरीना एज अ जोया दिखेगी, और नए अपडेट के हिसाब से प्रभास भी है। प्रभास कैसे है और कौन है पता नहीं। खैर इस पर रिसर्च करके मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तुम जरा सोचो एनटीआर और ऋतिक जब भिड़ेंगे तो वो नजारा कितना कातिल होगा। भाई लोग मुझसे अभी से लिख के ले लो, वॉर 2 स्पाइवर्स के हर फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड आसानी से तोड़ने वाली है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। नंबर 3 क्रिश 4। ये बस फिल्म नहीं है, इमोशन बन चुकी है। न जाने कितने सालों से फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं, पर मेकर्स ने भी ठान लिया है कि वो इसे कभी नहीं बनाएंगे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। नहीं, सीरियसली क्रिश 4 एक बहुत बड़ी फिल्म है, और इसके आते ही इंडियन सुपर हीरोज की किस्मत बदलने वाली है। वैसे तो इसको लेकर आए दिन खबरों का बाजार गर्म रहता है, पर अभी कुछ ही दिन पहले खुद राकेश रोशन ने इंडिया टुडे के साथ हुए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बताया है कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट रेडी है, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि ऋतिक उन स्टार्स में से है जो बहुत सोच समझ कर फिल्में करते हैं, तो जब तक क्रिश 4 परफेक्ट नहीं हो जाती, ऋतिक उसका शूट स्टार्ट नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से ये बात सही भी है। क्रिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इकलौता सुपर हीरो है, तो मेकर्स पर एक प्रेशर सा बन जाता है परफेक्ट बनने का। इसलिए राकेश रोशन ने कहा था कि इसमें जो एक्शन सीन्स है, जो कहानी है, उसे कन्विंसिंग बनाने के लिए समय लगेगा। पर यार किसी भी फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए 13 साल बहुत बड़ा गैप होता है। खैर अभी भी स्टार कास्ट या फिर डायरेक्टर कौन होगा ये कन्फर्म नहीं है। खबरें तो बहुत उड़ती रहती है, पर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है सिवाय स्क्रिप्ट के, और इसीलिए वॉर 2 के बाद ही हमें क्रिश 4 देखने को मिलेगी, यानी शायद 2026 में। वैसे मैंने क्रिश 4 पर एक डिटेल वीडियो भी बनाकर रखी है, जिसमें हमने इसकी हर चीज पर डिटेल में बात की है, तुम्हें वो आई बटन में मिल जाएगी। ओके, तो ये है ऋतिक रोशन के वो बिग बजट मूवीज जो किसी ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं है।
और डेफिनेटली ये कंफर्म आएंगी और आने के बाद इंडियन सिनेमा का चेहरा भी बदलेगा। हालांकि कुछ और भी बड़े प्रोजेक्ट है जिनमें ऋतिक रोशन दिख सकते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्में हैं, जैसे कि नितेश तिवारी की रामायण जिसमें शायद रणबीर कपूर के अपोजिट ऋतिक रावण के आइकॉनिक रोल में दिख सकते हैं, जिसे देखने के लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। दूसरा अभिषेक कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत, जिसमें शायद ऋतिक रोशन कर्ण के रोल में दिखने वाले हैं और इसमें इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार भी नजर आने वाले हैं। और भाई कसम से मैं इसको लेकर उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना कि अपने क्रश के साथ डेट पर जाने के लिए। हालांकि मेरी कोई क्रश है नहीं, पर शब्दों को छोड़ो ना, तुम इमोशन पकड़ो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हम सब जानते हैं कि हमारे रॉकी भाई केजीएफ 3 के साथ बहुत ही जल्द वापस आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेकर्स केजीएफ 3 के लिए गरुड़ा और अधीरा जैसा दमदार विलन कास्ट करने में लगे हुए हैं और कई दिनों से मेकर्स इस रोल के लिए ऋतिक को अप्रोच कर रहे हैं। और यार ऐसा हुआ तो थिएटर्स में आग लग जाएगी। यार देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे प्रभास और ऋतिक को लेकर सिद्धार्थ आनंद भी एक फिल्म प्लान कर रहे हैं, पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि वॉर 2, क्रिश 4 और फाइटर जैसी कन्फर्म नहीं है ये फिल्में। पर मैं चाहता हूँ कि इन सब में ऋतिक रोशन काम करे और स्पेशली रॉकी भाई के अपोजिट। वैसे तुम इनमें से किस फिल्म में चाहते हो कि ऋतिक दिखे, कमेंट में बताओ, क्या पता तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। साथ ही में तुम तो जानते हो कि बॉलीवुड घटिया रीमेक के लिए कितना बदनाम है, तो हमने बॉलीवुड के ऐसे रीमेक के बारे में एक वीडियो में बात की है जो आज भी सबके पसंदीदा है और परफेक्ट रीमेक है। अगर तुम्हें भी फिल्मों को लेकर अपना नजरिया बदलना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। और साथ ही में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।